और समय समय पर यह जो उक्ति या कहावत है सिद्ध भी होती है। और यदि हम आज राजनीतिक परिदृश्य जो हिंदुस्तान का है उसे लेकर बात करें तो ये कहावत या ये उक्ति बहुत सटीक बैठ रही है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, उसके पैरोकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, उनका पूरे का पूरा कुनबा अलायंस को लेकर, और उधर यदि विपक्ष के समय को देखा जाए तो बहुत बदला हुआ है उनका वक्त। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए थे, आज 4 सितंबर है, 3 महीने पूरे हो गए हैं। यदि हम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले के परिदृश्य को देखें तो उस समय अपर हैंड कहीं नजर आया करता था कि भारतीय जनता पार्टी या उनका पूरा का पूरा कुनबा प्रधानमंत्री जी जो चेहरे के तौर पर आगे दिखते थे। हालांकि वो जो 4 जून को चुनाव के नतीजे आए थे वो नतीजे वैसे नहीं रहे थे जिसकी की उम्मीद अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने पाल रखी थी कि 370 या उसके पार, एनडीए 400 पार, 240 पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई थी और जैसे तैसे सरकार एनडीए की बन पाई थी और विपक्ष बहुत मजबूती बहुत ताकत के साथ उभरा था। और जब मैं आज समय की बात करता हूं तो 2 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा, और जो दांव या पत्ते खेले जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक की ओर से, कांग्रेस की ओर से, वो फिलहाल बहुत सटायर से नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि उनकी चालें कहीं ना कहीं सटीक बैठ रही हैं। तो उधर जो बीजेपी या उनका कुनबा है उनको बहुत सारी कठिनाइयां बार बार पेश आ रही हैं, मुश्किलों में दल नजर आ रहा है। जो इंडिया ब्लॉक है उसके जो अलायंस का मसला मामला हो या और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, और यो इसके बाद 3 राज्य और हैं जहां चुनाव निकट है और इसी साल हो जाना है, महाराष्ट्र और झारखंड में, तो वहां भी अपर हैंड पे इंडिया ब्लॉक कहीं नजर आता है। और ऐसे ही जो दिल्ली चुनाव है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बहुत आसान या बहुत रहा नहीं लग रही है कि बहुत उसको आसानी से कुछ मिल पाएगा। तो स्थिति ऐसी है। और साथ साथ जो राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पे थे तो बात पहले उसकी भी करूंगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो उनका अंदाज है उस अंदाज उस शैली में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या जो उनका कुनबा हो या जो मसले हैं वहां से जुड़े, उसे लेकर बहुत सारे निशाने साधे हैं। और जो 2 उद्योगपति हैं देश के जाने माने उद्योगपति, जिन्हें A1 A2 के तौर पर संसद में राहुल गांधी ने एक उनको नाम दिया या उनको संज्ञा दी, तो उन्हें लेकर भी, अडानी और अंबानी को लेकर भी आज जमकर राहुल गांधी बरसे हैं जम्मू कश्मीर में। उधर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो कार्ड्स खेल रहा है इंडिया ब्लॉक, वहां भी साफ नजर आ रहा है कि जो आगे बनी हुई है कांग्रेस वो क्यों बनी हुई है। दिख रहा है कि जैसे आपके साथ जो समझौते की बात चली उसमें बहुत ज्यादा विवाद या कोई कठिनाई नहीं है, 10 और 7 सीटों की बात है वो भी बनती नजर आ रही है। उधर विनेश फोगाट का जो कार्ड है वो कार्ड भी बखूबी खेलने की ओर बढ़ रही है कांग्रेस, बजरंग पूनिया और दोनों को इनको टिकट देने की बात है। तो जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, स्थितियां हैं, चाहे वो चुनाव अभी जो 2 राज्य हैं और आने वाले 3 राज्य हैं और बाकी सारा कुछ जो स्थितियां हैं, उन सब पर बातचीत करने के लिए हम चलेंगे हमारी जो ये नियमित डिबेट होती है इसमें खास पैनल के पास। खास पैनल हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं सुनील शुक्ला साहब जुड़े हैं, ओम सैनी साहब जुड़े हैं और अश्विनी कुमार साहब हमारे से जुड़ चुके हैं, और 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ेंगे। एक इंग्लैंड में इस वक्त हैं हमारे अनिल शर्मा साहब, जो मेहमान हमारे हुआ करते हैं, उन वे जुड़ने की स्थिति में हमको बताया गया कि जुड़ रहे हैं वो। इसके साथ साथ अरविंद कुमार सिंह साहब भी हमसे जुड़ने के प्रयास में है, वो रास्ते में है। तो हम जो हमारा पैनल है, जो हमारे आज के मेहमान हैं, आप इनसे भिज्ञ हैं, चाहे सुनील शुक्ला साहब हो, ओम सैनी साहब हो या अश्विनी कुमार साहब, दीर्घ अनुभव आप लोगों का है, देश पर निगाह रखते हैं, दुनिया पर जो निगाह है रखना चाहिए वो रखते हैं, खरा खरा बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, शानदार बोलते हैं। शुरुआत मैं सुनील शुक्ला साहब से करूंगा। सुनील सर, ये जो वक्त की बात है तो शुरुआत यहीं से कि प्रधानमंत्री जी का वक्त खराब है या जो
कर्म है वो कहीं आड़े आ रहे हैं, और पूरी की पूरी जो स्थितियां हैं जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है, इन सब पर आपसे शुरुआत करूंगा, आपके टिप्पणी सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। वक्त खराब क्यों होता है? तब अगर कोई प्राकृतिक कारण हो तो हमारे आपके बस में नहीं है जी। और कई बार वक्त हम और आप अपने हाथ से ही खराब कर लेते हैं। सरकारों का वक्त क्यों खराब होता है? ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज आंधी चलने लगी, कड़ी धूप निकल आई, बहुत भयानक बादल फट गए, बहुत पानी बरस गया, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन सरकार के काम काज पर तो सरकार के नेतृत्व करने वाले लोगों का नियंत्रण होता है। सरकारें वही करती हैं जो सरकार चलाने वाले करना चाहते हैं, अन्य तो किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से सरकार की कई बार प्रतिष्ठा खराब होती है। माने सरकार है और अचानक बहुत भयंकर सूखा पड़ जाए, लगातार सूखा पड़ जाए, सरकारों ने इसका सामना भी किया है। ये भी है कि कोई राज्य सरकार है जहां पता चला कि एकदम बहुत भीषण बाढ़ आ गई, तहस नहस हो गया पूरा राज्य। हिमाचल में आए दिन हम लोग इसको देखते हैं। लेकिन जब सरकारें कार्रवाई करती हैं उसका उसके आधार पर उनका समय खराब होता है चाहे समय अच्छा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जब लोगों ने 2014 में सरकार बनाने के लिए जन समर्थन दिया था तो उस जन समर्थन के साथ लोगों के कुछ सपने थे, अच्छे दिन के सपने थे, बेरोजगारी दूर करने का सवाल था, बेहतर अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। और यह भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लोगों ने कोई सपना नहीं देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के सपने जगाए थे, उनसे आप दूर होते चले गए। आपने बातें कुछ की और करते हुए कुछ नजर आए। अब आप मैंने जम्मू कश्मीर को उदाहरण के रूप में ले लीजिए। आप जम्मू कश्मीर से आपने राज्य का दर्जा क्यों हटा दिए भाई? सरकारें तो केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा देती रही हैं और यही यही अभिष्ट माना जाता है, यही श्रेष्ठतर माना जाता रहा है, श्रेयस्कर माना जाता रहा है कि चुनी हुई सरकारें जनता के अभिव्यक्ति को प्रकट करने वाली सरकारें हो, जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाए, गोया के संबंधित राज्य के विकास के लिए योजनाओं को लागू करने का जो निर्णय हो, प्राथमिकताओं को तय करने का जो आधार हो वो आम आदमी तय करे, वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करे। आपने उस राज्य के दर्जे उस राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्या कौन सा तर्क है इसके पीछे? और जो चीजें आपने लोगों को बताई कि राज्य का दर्जा खत्म होने, राज्य को दो हिस्सों में बांट देने का ये लाभ हुआ, लाभ आपने क्या बताया? आर्थिक प्रगति हुई। आपने क्या बताया? कानून व्यवस्था सुधर गई। आपने क्या कहा? पर्यटन बढ़ गया। और सब गलत, तथ्य से परे। आप कहते हैं पर्यटन बढ़ गया, क्या वैष्णो देवी जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं और अमरनाथ की तीर्थयात्रा करने वाले जो लोग हैं अगर उनकी संख्या खत्म हटा दी जाए तो ये आंकड़े कहां जाके रुकेंगे? कौन से पर्यटकों की संख्या आपने बढ़ा दी? और दूसरी चीज, कोई चीज ऐसी नहीं होती है जिसका असर न पड़ता। अगर तीर्थयात्री अगर आपके पर्यटक बढ़ेंगे तो आपको पर्यटकों के लिए जुटाए जाने वाले संसाधनों को ही बढ़ाना पड़ेगा। आपको आवास की सुविधा देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ेगी, नए नए होटल आपको बनाने पड़ेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बाध्यता आई राज्य सरकार के सामने? कुछ हुआ उस क्षेत्र में? गोया कि अगर उसी आधारभूत संरचनाओं से काम चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, तो आपका यह दावा खोखला है। आप कहते हैं विकास हुआ। जम्मू कश्मीर वह राज्य है जो देश के अन्य राज्यों या यहाँ तक की राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी मानव विकास के कई इंडेक्स पर बेहतर रहा। वहां बेरोजगारी का दर कम रहा है, आर्थिक स्थिति वहां बेहतर रही है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बेहतर रही है, क्रय शक्ति बेहतर रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर रही हैं। क्या किया आपने पिछले 10 सालों में? शिक्षा की क्या स्थिति रह गई है वहां पर? तो आपने राज्य का बंटवारा कर दिया एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, और वहां का नागरिक कह रहा है कि हमको राज्य चाहिए। 10 सालों में आप वो स्थिति नहीं बहाल कर पाए कि आप राज्य का दर्जा कब देंगे या नहीं देंगे। आपने आश्वासन दिया था कि जब
जो आतंकवादी घटनाओं में या घुसपैठ के मामलों में जो नागरिकों के जान गंवाने की घटनाएं होती हैं उसको हम नियंत्रित करेंगे। क्या हुआ उसका, 2014 में जब सरकार सत्ता में आई, यह सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उस समय नागरिकों के जान गंवाने की संख्या 2800 थी। आज हम आप सितंबर में बात कर रहे हैं, अगस्त महीने तक एक साल एक उस राज्य में हिंसा में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या 600 से ऊपर हो गई है। अब तो भी दवा खोखला है, तो उस राज्य को दिया क्या आपने? आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उस राज्य के साथ खिलवाड़ी तो कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपके अच्छे दिन रहेंगे? वहां के नागरिक आप इन चीजों को पसंद करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आज जो राहुल गांधी ने जो बातें कहीं रामबन में कहीं या घाटी के इलाके में कहीं, उन्होंने क्या बात, जो लोगों के बीच के सवाल, उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा देंगे, किसी भी दशा में राज्य का दर्जा देंगे। अब बिजली की बात कही उन्होंने, बड़ा लोगों को लगा कि बिजली की बात करने का क्या मतलब है। आप संजीव जी पता कर लीजिए स्थानीय नागरिकों से, वहां 70-80% ट्रांसमिशन लॉस है उस राज्य में। क्या कर दिया 10 सालों में आपने? और ट्रांसमिशन लॉस का क्या मतलब? ट्रांसमिशन लॉस यह है कि वहां के सामान्य उपभोक्ताओं को उस बिजली की कीमत देनी पड़ती है जिसका उपभोग नहीं करते। तो अनंतनाग और रामबन ने जो दोनों बातें कही राहुल गांधी ने, इन दोनों सवालों को उठाया। अगर आप केवल इस लॉस को रोक लीजिए तो आप कितनी राहत दे देंगे? तो आप सुशासन की बात नहीं कर पाए, व्यवस्थित शासन की बात नहीं कर पाए, राजनीतिक अधिकार था उसको आपने छीन लिया, और आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ खड़े हो जाए? लद्दाख को आपने अलग कर दिया, लद्दाख के लोगों की एक अलग बेचैनी है, उसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। वांगचू साहब वहां यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, सिविल सोसाइटी सड़कों पर है और आप बात नहीं करेंगे। तो ये जो दिन आपको देखने पड़ रहे हैं वो इसके लिए कोई ओम सैनी साहब जिम्मेदार नहीं है, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार है। ये हालात आपने खुद पैदा किए। बिल्कुल, यही स्थिति हरियाणा में भी है जी। जब तक सुशासन की बात नहीं कर, सरकार में रहने पर अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जन समर्थन हासिल नहीं हो सकता, आपको जन प्रतिरोध का सामना करना ही पड़ेगा, जो आपको जम्मू कश्मीरी में या हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा आपके साथ लौटूंगा, मैं अश्विनी जी के पास जाऊं, अश्विनी कुमार साहब के, उसके पहले वो जो उनकी सभाओं का आपने जिक्र किया, मेरे पास उसके क्लिप्स है कुछ, हम अपने दर्शकों को दिखाते सुनाते हैं, बाकी हम सब ने तो देखी देख रहे थे, नगाह रखे थे, और शायद नहीं देखा हो तो उसको जरूर आप लोग भी एक बार देखिएगा, जो अडानी और अंबानी को लेकर जो मजदूरी करता है, छोटा बिजनेस चलाता है, होटल चलाता है, टूरिज्म का बिजनेस चलाता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी GST लाते हैं, नोटबंदी कराते हैं और बैंक के दरवाजे बंद कर देते हैं, और पूरी की पूरी सरकार इन 2 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। ये मैं आपको कहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपसे स्टेटहुड छीना गया है, इसका भी लक्ष्य उन्हीं 2 अरबपतियों की मदद करने का है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, उन सब को ये दबा कर रखते हैं। जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है, देश से ज्यादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में। और ये उल्टी सीधी बात करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं, मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक ये है, और दूसरा स्टेटहुड को लेकर और मैं तफसील से बोला, वो भी सुनते हैं, फिर मैं अश्विनी जी सवाल की। हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, RSS कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं,
या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। और हम तब तक नहीं रुकने वाले, हम इन पर दबाव डालेंगे पार्लियामेंट में, यहां पर कि ये जो आपको स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो पहली बार हुआ है, इसको रिवर्स करना है और आपको स्टेटहुड देना है। जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है, मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है और वो दिख रहा है। ये अश्विन जी सुना आपने, एक तो बड़ा आत्मविश्वास है राहुल गांधी पर, वो सारे वही जो अभी सुनील सर ने कही बात की, बीजेपी के पास गिनाने के लिए, एनडीए के पास गिनाने के लिए नहीं है कुछ। जो हार्डकोर इश्यूज थे, वो जो दावे थे, जो वादे थे 370 के भरोसे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज जो जवाब देना है आपको जनता के बीच, वो आप कहीं देने की स्थिति में नहीं। और इधर ये जो हमले हैं, तीखे हमले, तीव्र हमले, कितना नुकसान, क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? और स्टेटहुड, और हम बार बार बात करते हैं, स्टेटहुड एक ऐसा इशू है कि जो अंदर तक बैठा हुआ है, वो बाकी चीजें है ही। आपकी टिप्पणी सर। अश्विनी सर अनम्यूट कर लीजिएगा, सर अनम्यूट कर लीजिएगा, नहीं अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद म्यूट है। मैं जी संजीव जी, आ रही आवाज आ रही है? जिस तरह से अभी सुनील जी ने बोला है कि हालात काफी खराब है, पर्टिकुलरली मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बोलूंगा कि जिस तरह से हवा खड़ा किया गया था कि अगली सरकार जो है बीजेपी की आने वाली है, और ऑन ग्राउंड जो है बीजेपी के जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनमें काफी अफरा तफरी मची हुई इस वक्त। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर पार्टी ने अलायंस किया है, और उससे जो है वोट बैंक जो है काफी कंबाइंड होगा, और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी जो डाटा मैं लेटेस्ट आपको बताऊं, उसमें बीजेपी ने वोट बैंक उसका कम हुआ है इन कंपैरिजन टू 2014-2019 के बारे में। तो जाहिर है कि सीटों का जो बंटवारा होगा और जो वोट बैंक जो कंबाइंड होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, तो अच्छा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नेटवर्क है और वोट बैंक है अपना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना स्ट्रांग होल्ड है, कांग्रेस का कहीं कहीं है। जब ये वोट सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं हो पाते, तो नेचुरली जो है इनको अलायंस का जो है सीटें ज्यादा निकलेंगी। अभी 47 सीट्स कश्मीर वैली में है और 43 जो है जम्मू में है। तो बीजेपी का अगर 2014 का आप स्टेटस लें तो बीजेपी को उस वक्त 25 सीटें मिली थी, यानी कि अगर बीजेपी को इंक्रीज करनी है करीबन 21 सीटें और कर रही है इंक्रीज, वो बीजेपी कहां से इंक्रीज करेगी वो बीजेपी को देख रहा है। यानी कि कश्मीर में अभी तक जो है उनका अपना कोई बेस नहीं है बीजेपी का, बट अगर वो कुछ उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े किए हैं लोग, उनका सपोर्ट लेकर अगर वो 21 सीटें मिलती है उनको, 25 सीटें लास्ट टाइम थी इनके 2014 में, और अभी उनको 46 सीटें बनानी है, इसका मतलब 21 सीटें उनको और लानी है। वो कहां से आएंगी? अगर पिछला लोकसभा का डाटा देखा जाए तो उससे इनका वोट बैंक शेयर जो है काफी कम हुआ है, और क्योंकि इस दफा जो इशू है नेशनलिज्म का इशू खत्म हो चुका है, लोगों के लोकल इश्यूज हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था एक दफा कि दरबार मुंह जब से बंद हुआ है कि जम्मू का लोग जो है वहां पर बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, हाईवे लोगों को, लोग कहते हैं कि हाईवे का क्या लेना है, जब हमें खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पुल और हाईवे तो उसको क्या करेंगे हम। जाहिर है कि ये जो इलेक्शन है एक लोकल लेवल इश्यूज पर होगा, स्टेटहुड जो है कांग्रेस इसको अच्छा एक्सप्लॉइट कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड प्लस 370 को भी लेके चल रही है, बट कांग्रेस जो है जिसका वहां वाला वोट बैंक है वो स्टेटहुड को लेके कह रहे हैं कि 47 में जब महाराजा ने जम्मू कश्मीर का, जम्मू का जो महाराजा हरि सिंह था उसने जब पूरा स्टेट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इन्होंने उस स्टेट के टुकड़े कर दिए
और टुकड़े करने कौन कौन से हैं, बीजेपी सरकार। तो लोगों को इस तरह का बोला जा रहा है कि अगर इन्होंने आपकी स्टेट को टुकड़े कर दिए हैं तो आपको क्या फायदा हुआ उसे, आपका दरबार भी खत्म हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपकी जो यात्रा है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो वैष्णवी की यात्रा है वो बड़ी कम जम्मू आ रही है, डायरेक्ट वो कटरा जा रही है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बड़े आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है बीजेपी में अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, जिन लोगों को टिकटें कटी हैं या जिन सीनियर लीडर्स को टिकटें नहीं दी गई हैं, वो अंडर वो कुछ बोल तो नहीं रहे अभी तक, बट अंडर अंदर से वो काम कर रहे हैं कि अपना जो प्रत्याशी उनको हार जाए। तो हालांकि पूरी लीडरशिप वहां बैठी हुई है, बीजेपी की नेशनल लीडरशिप बैठी हुई है कि समझाने में, उनके वीडियोस डलवाने में, सोशल मीडिया में एक्टिवेट करने में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ऑन ग्राउंड जो है मुझे लगता है कि बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, वो भी शायद इस दफा चुनाव हार सकते हैं। और इसलिए जो है बीजेपी हर कदम जो है वो फूक फूक पर चल रही है कि कहीं कहीं उनको अगर दिक्कत आती है तो क्या किया जाए। कश्मीर वादी में जो 47 सीट्स है, बीजेपी को जो मेरा असेसमेंट है और अपना एक्सपीरियंस इतने सालों का, उनको अपने नाम पर तो कोई सीट नहीं मिलने वाली है। वहां पर एक ही सीट थी जो कि हबा कदल की सीट है, वहां पर एक वक्त 22-23 हजार कश्मीरी पंडित वोट होता था, अभी 6-7 हजार वोट रह गया है, उसमें से कितने परसेंट वोट पोल होता है और किस किस पार्टी को, कांग्रेस को भी जाएगा, पीडीपी को जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जाएगा, तो बीजेपी को कितना मिलेगा। तो अभी जो अगर उनको कोई हेल्प चाहिए 21 सीटों की, या तो इंडिपेंडेंट एमएलए जो होंगे, जो कि प्रॉक्सी काफी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 6-7 कैंडिडेट जो है जमाती इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, वो आजकल बड़ी नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार की प्रेज भी कर रहे हैं, तो क्या आगे जाकर वो उनका रोल क्या रहेगा और उनको अच्छा इसी तरह पीडीपी अपने कुछ दिनों से बीजेपी के ऊपर अटैक करने बंद कर दिए हैं, उसके मैक्सिमम अटैक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, महबूबा मुफ्ती जो हलाल और हराम के बारे में बात कर रही है कि जब बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है तो वो हलाल इलेक्शन हो गया, जब हार जाती है तो वो हराम हो गया इलेक्शन, तो सारे अटैक जो है महबूबा मुफ्ती के अटैक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, जो कि पहले बीजेपी के ऊपर होते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर होते थे। तो अभी देखिए कि स्ट्रेटजी क्या बन रही है, अभी सजाद लोन की कितनी सीटें आएंगी वहां पर हंदवाड़ा में, और उसके बाद पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है जो अपनी पार्टी है अल्ताफ बुखारी की, वो कितनी सीटें लेते हैं और उनका रोल आगे जाकर क्या होता है। इंजीनियर रशीद की जो है आज बेल होने वाली थी, जो कि बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंस से जीत के हैं, एमपी हैं, वो 11 तारीख तक उनके रुक गई है बेल, उनका रोल क्या रहेगा। उनके बेटे जो है कंपेन कर रहे हैं इस वक्त बिना किसी पैसे के, वो बिना किसी वर्कर के, और वो पूरा उन्होंने बारामूला और पूरे स्टेट में उन्होंने टिकटें बांटे शुरू कर दी है, तो वो कितना टिकटें, अभी उन्होंने 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ली थी पार्लियामेंट इलेक्शन में रिसेंट में, तो 14 में से कितनी सीटें वो निकाल पाते हैं ये भी देखना, और आगे जाकर उनका रोल क्या होगा। तो जाहिर है कि कुछ ही दिनों में सारा पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। बीजेपी ने भी टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा, सब लोगों को डिप्यूट लगाया हुआ है यहाँ पर कि वो एक्सटेंसिव कंपेन करे। बट आज जो राहुल गांधी का जो स्पीच रहा और पब्लिक गैदरिंग रही और उनका एक 1-to-1 जो है लोगों के साथ कनेक्शन रहा, उन्होंने मजदूर और किसान की बात की, उन्होंने मोहब्बत और नफरत की बात की, जो कि जम्मू कश्मीर के लोग इन चीजों पर बड़ा विश्वास रखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नेशनलिज्म, बाकी की चीजें, बाकी जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कुछ नहीं है, हमें शांति से रहना है, हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। तो इससे उन्होंने वहां के जो कैंडिडेट थे रामबन के, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे वहां पर वकार उसूल, उन्होंने कहा कि आपने मुझे गलत
टाइम दिया है 45 मिनट रामबन में दीजिए, मुझे कम से कम 3-4 दिन चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। तो एक उन्होंने बड़ा कंटेक्ट बना के और लोगों में एक इमोशनल टच दिया है जो कि काफी लोगों ने उसका प्रेज किया है। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं यहाँ जम्मू कश्मीरी, वो कहते हैं कि उन्होंने एक टच दिया, जिससे पिछले बार उन्होंने कश्मीर में कहा था कि मेरा खून का रिश्ता है कश्मीर के साथ, तो इस दफा उन्होंने काफी जो कैंपेन शुरू की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका फायदा होगा और वोट बैंक जो है, और वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर रियल तरीके से एक दूसरे को वोट डलवाएंगे अपने कैंडिडेट को जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में किया था, तो डेफिनेटली इनका वोट बैंक का शेयर काफी आगे जाएगा और बाकी के जो लोगों को उनका कम हो जाएगा। जी संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इमोशनली जो वो एक पेश आ रहा है उस वही यूएसपी उनकी बनकर उभरी है और इसी कारण से कहीं विपक्ष ज्यादा परेशान है। एक सवाल और कर लूं फिर मैं ओम सर के पास जाऊंगा। जो अमित शाह 6 सितंबर को आ रहे हैं, उनके जम्मू कश्मीर का जो दौरा बना है 6 सितंबर को बना है और घोषणा पत्र भी आ रहा है, तो घोषणा पत्र पर तो मैं अगले चरण में कर लूंगा, लेकिन उन्हें क्या कुछ कठिनाइयों को जब 6 सितंबर को पहुंचेंगे तो कठिनाइयां क्या ज्यादा पेश आने वाली है, छोटी सी टिप्पणी फिर मैं ओम सर के पास। जी संजीव जी, सबसे पहले कि जो बीजेपी की लीडरशिप है वो उनको ये बोलेगी कि आपने टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत किया है। सीनियर काफी लीडर्स हैं जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं पार्टी के, और काफी लोग हैं जो कि लाइन में खड़े थे, जो कि जो सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी का काम करते थे, उन सब के टिकटें काट दी गई है। जैसे निर्मल, डॉक्टर निर्मल सिंह है, और कविंदर गुप्ता है, सत शर्मा है, सत शर्मा फॉरन प्रेसिडेंट रहे हैं, वो पहले वाले दो थे, निर्मल सिंह वो फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, और ऐसे लोगों के नाम काटने से एक रिजेंटमेंट हो रही है। और श्याम चौधरी है, कैबिनेट मिनिस्टर थे और जाट नेता थे, सुखविंदर चौधरी है वो भी जाट, उनको टिकट नहीं दी गई अभी तक, तो डेफिनेटली उनका जो रिजेंटमेंट है, उनके जो वर्कर है अभी तक मार्केट में नहीं निकले हैं और बीजेपी के किसी कैंडिडेट की वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने आएंगी। और दूसरा जो है उनका, तो उन्होंने तो कैलकुलेट करके यही बताया लोगों को कि हमें 60 सीटें लेनी है यहाँ से, 50-60 के बीच में 50-60 सीट्स हमें लेनी है। और आप देख रहे हैं कि ये 50-60 सीट किसके पास जाती है, क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाती है या बीजेपी के पास आती है, क्योंकि ये गणित है। मैंने आपको बोल दिया कि 25 सीटें बीजेपी को लास्ट टाइम आई थी, इस दफा उनको 21 सीटें और लानी है सरकार बनाने के लिए, वो 21 सीटें कहां से आएगी, क्या जम्मू की पूरी सीटें ले जाएंगे वो 43 की 43 सीटें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक कहां जाएगा, जो अभी उनका काफी इंक्रीज हुआ है, पर्टिकुलरली कांग्रेस का वोट बैंक काफी इंक्रीज हुआ है 2014-2019 के मुकाबले में, तो वो काफी मुश्किल है। अभी तक हमें समझ नहीं आ रही है कि 21 एमएलए कहां से और लाएंगे, अगर वो कश्मीर के इंडिपेंडेंट एमएलए की मदद भी ले लेते हैं उसके बावजूद भी बड़ा मुश्किल है उनको सरकार बनाने के लिए। जी बिल्कुल 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 मुश्किल है। ओम सर, जो घर की चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं कि बाहर से तो है ही, विपक्ष ने तो बिल्कुल एक आक्रामकता साफ नजर आती है और घर में बहुत सारी चुनौती, और मैं इसके साथ साथ जरूर आपसे वो जो राजस्थान में कल घटनाक्रम एक हुआ उस पर भी चाहूंगा, और मैं बल्कि दिखाना चाहूंगा जो वो एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, वसुंधरा जी का जो एक रुख है वो पहले भी पेश आती रही है और कल तो उन्होंने जो वो पीतल की लोंग क्या मिल जाती है सराफ समझ बैठे, बहुत सारे भाई साहब जिन्हें पीतल की लोंग नहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सराफ मानने लगे। और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाव हमेशा धरती पर रखो। पाव हमेशा धरती पर रखो, सैनी जी कह रही है, और ये पहला मौका नहीं, पहले भी उन्होंने वो चाहे पद कद मद वाली बात हो या फिर उसके अलावा उन्होंने जियो और जीने दो, कई सारी उनकी वो रही। तो जो घर की चुनौतियां हैं वो भी एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिनाई बीजेपी को पेश की, इन परिपेक्ष में क्या आप कहिएगा थोड़ा सा राजस्थान पे भी,
और फिर आप चुनाव को लेकर जो आप टिप्पणी करना चाहें। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। उसकी बुनियाद 2013 है, जब श्रीमती वसुंधरा राजे 163 सीटें लाकर के 200 में से सरकार बनाने जा रही थी, सरकार थी उनकी। तब मोदी जी लोकसभा के इलेक्शन के लिए घूम रहे थे और वो कुछ वैसी भाषा बोलने लगे थे जिसकी आदि वो नहीं रही। अब भारतीय जनता में ऐसे अहंकार की भाषा मोदी जी के शासनकाल से पहले कभी नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और सन 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लेके इन नेताओं की भाषा विनम्रता के साथ में ही चीज़ें कही जाती रही। अपने अपने विपक्ष की भी अगर आलोचना की तो कभी गाली नहीं दी, उनको भी इस भद्रता के साथ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने एक जो नैरेटिव चलाया है, एक अलग सिलसिला जो उनका एक अलग भाषा से लिए एक अलग, तो वो राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा जी के साथ में शुरू किया और वसुंधरा जी ने उस पर कह दिया कि ये तो राजस्थान है, इसमें वही होता है जो मैं चाहती हूँ, इस तरह के संकेत दिए उन्होंने। इसलिए सच भी है, इसलिए आशिए पर है कि उन्होंने चुनाव मैं उसी को बताना चाहता हूँ। वही मर्मर दर्द अभी बरकरार है, वो बरकरार है, आज भी बरकरार है। लेकिन अब उन्होंने इनसे लड़ना सीख लिया है, ऐसे लड़ना सीख लिया कि दो कदम पीछे जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना नाराजगी का स्वर वहां पर उभर रहा है सारे इलेक्टेड लोगों में और आम लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनमें, वो अब समझ में आने लगा है और वो बिल्कुल उस इंतजार में है कि जिस दिन मोदी जी और अमित शाह साहब कुछ करें तो उसके साथ साथ उनको वो सबक सिखा सके। तो कल जरिया था उनके पास में, ओम माथुर जो आसाम के गवर्नर बने हैं वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बैठने नहीं गया हूँ, काम करने गया हूँ। अब देखिए गवर्नर का भी अपना एक सिलसिला हुआ है, जब से जगदीप धनखड़ साहब कलकत्ता में अपना कर्तव्य दिखा के आए तब से ये लगने लगा कि गवर्नर तो बहुत कुछ कर सकता है, दिल्ली में एलजी कर सकता है। तो ये सारा एक अलग राज्यपालों का और एलजीज का जो एटीट्यूड है जो बदला है, ये मेरा ख्याल गवर्नेंस का नया स्वरूप बनाने की चेष्टा हुई है जिसको कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो वही हाल था, तो वहाँ पर घनश्याम तिवाड़ी भी बैठे थे जो पहले उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहाँ पर दूसरे और लोग भी बैठे थे। तो घनश्याम तिवाड़ी ने सबसे पहले आरोप लगाया था इन पे कि 22,000 करोड़ रुपए की सेज के अंदर ये पैसा हजम कर गई और ये इसलिए इनके, तो उन्होंने बागी होकर के जब अपने संगठन में कहा तब भी किसी ने सुना नहीं, तो उन्होंने अलग से पार्टी फॉर्म कर ली, पार्टी फॉर्म करके वो मैदान में गए लेकिन वहाँ पराजित हुए, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटे हैं, उसके बाद में उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसको ऐसे जोड़े कि जो भी चूंकि चुनाव चल रहा है, एक देखिए संदेश तो निकलता है जब कोई बड़ा नेता कुछ बोलता है, मायने निकाले जाते हैं उसके, कहीं ना कहीं एक रिपरकेशंस बहुत सारे दिखलाई पड़ते हैं। ये क्या दिल्ली पे निशाना था एक चीज, और दूसरा अगर हम इनको संदर्भ जोड़ दें इस चुनाव में, कहीं कोई इसमें जो एक मुखरता है, जैसे अभी अश्विन सर कह रहे थे कि बहुत सारे बड़े दिग्गजों के टिकट्स काटे गए, तो मुखरता बढ़ेगी ऐसे देख सकते हैं। मैं इसको पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि ये लंबा सिलसिला है, 2013 से चल रहा है जो आज तक बरकरार है। उसमें दो महारथी, एक जो केंद्र के महारथी हैं हमारे अमित शाह साहब और नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी, और एक तरफ राजस्थान में राजस्थान के संदर्भ में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की कमान आज भी अपने हाथ में रखती है। कल की तारीख में अगर आप मैदान में आ जाएं तो वो जो चिट से चीफ मिनिस्टर बने हैं वो टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके अनुयायी है, ज़्यादातर लोग वो हैं जो उनके साथ में रहे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि ऐसा सीन बना हुआ है, लेकिन नाराजगियाँ बड़ी तेजी के साथ हो रही है। कुछ लोग जो इनके साथ में थे और जिनको इन्होंने अपनी तरफ कर लिया, जैसे राजेंद्र राठौड़ जो बहुत जिनको कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी जब इनको यहाँ से विपक्ष के नेता के पद से हटाया था उस वक्त, लेकिन उन्होंने जाकर के जिस तरीके से मोदी और अमित शाह के साथ में दोस्ताना किया है वो बात इनको पसंद नहीं आई, तो वो सारी सब लोगों को देख रही। करुणलाल मीणा जिस तरीके से अलग जाकर के सारा स्वरूप करे तो वो बात इन्हें पसंद नहीं आई, और उनके काउंटर्स है, मतलब इन सब के विकल्प है उनके पास में। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रभावशाली स्वरूप है और उस स्वरूप से उनको
माइनस नहीं, ये स्टेट, इस स्टेट को आप एक मॉडल की तरह से देख सकते हैं। जो बात आपको राजस्थान में नजर आ रही है वही बात आपको जम्मू में नजर आ रही है। जम्मू के लोगों के साथ में, संगठन के लोगों के साथ में जिस तरीके से उनको बेदखल किया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अब जिनकी हैसियत थी उनको टिकट तक नहीं दिया, तो वो एक नाराजगी का बड़ा स्वरूप बना है। ये हर जगह ऐसा ही करते हैं और वही हाल है कि उसकी वजह से लगता है कि जो अश्विनी जी बोल रहे थे पूरा घिन करके बता दिया कि ये कहाँ से लेके आएंगे मेजोरिटी, तो अपने आप में संकट नजर आता है बड़ा साफ साफ। जी बिल्कुल बिल्कुल सुई सर, जो एक और आज डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि कल का है, वो जो ब्रुनेई वाला है कि वो दौरे पे थे और मस्जिद गए हैं प्रधानमंत्री जी वहां, वो भी एक बड़ा, उसको लेकर भी बड़ी चर्चा है देश में, उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि उनका मस्जिद जाना, और ये भी कहीं उसमें तंज कसे गए कि अपनों पे गैरों पे करम अपनों पे सितम, तो एक चीज वो। और दूसरा ये पूरे चुनाव जो दोनों राज्य हैं इनसे प्रधानमंत्री जी की दूरी कैसे इसको देखा जाना चाहिए, क्या इसके पीछे की, अब आपका चूंकि जो ग्राफ था वो नीचे है या जो आपका एक आभा मंडल था वो खत्म हो गया, तो इन सब के कारण ये इधर उधर की दौड़ है, यहाँ जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा पा रहे दोनों पैरामीटर। संजीव जी अगर आप दारुसलाम जाएंगे तो उस मस्जिद में जाए बगैर आप रह नहीं सकते, बहुत ही शानदार मस्जिद है। 2016 में मैं उस मस्जिद में गया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखा जाता है, और वहां आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये कोई भेदभाव नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी मस्जिद में एस्केलेटर देखा था, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए एस्केलेटर्स लगे हुए और पूरा का पूरा परिसर एकदम नीट एंड क्लीन। तो अगर आप उस शहर में जाएंगे दारुसलाम में तो आप भी वहां घूम करके आएंगे, देख करके आएंगे। प्रधानमंत्री जी कोई भी एक कदम भी उनका निरर्थक नहीं होता, हर जगह हर कदम का कोई ना कोई राजनीतिक संदेश जी। अगर ब्रुनेई में उस मस्जिद में जाने का मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरह का संदेश है। आप याद कीजिए जब पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय मतुआ समुदाय को संबोधित करने के लिए वो बांग्लादेश के तीर्थ स्थान पे गए थे जो मतुआ समुदाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जहां लोगों की बड़ी आस्था, तो उस जगह उस मस्जिद में जाकर के दारुसलाम के उस मस्जिद में जाके प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने की कोशिश की, उनका अपना मतदाता भी नाराज नहीं होगा, उनका जो समर्थक है हिंदुत्व का समर्थक है उसको लगेगा कि नहीं ठीक है यहाँ तो कुछ नहीं, और बाकी लोगों को ये होगा कि नहीं हमारा कोई हमारी कोई नाराजगी कोई दूरी भी नहीं है। लेकिन है क्या कि इस तरह के प्रतीकों से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप प्रतीकों में बात करेंगे तो लोग आपसे सहमत होने के लिए तैयार नहीं है, आपको साफ साफ और खुले मन से बात करनी पड़ेगी। अब आज का दौर इस समय 10 साल से सरकार सत्ता में है, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनका 11वां साल चल रहा है जी। अब आप उनको ये बात करनी पड़ेगी गवर्नेंस की कि जो पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इस देश की जनता को दिया है उसका उल्लेख आपको करना पड़ेगा। अब मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाने का मस्जिद में जाने का लाभ हुआ होता 2024 में प्रणाम आते क्या, सबसे बड़ा मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी सरकार लगी रहेगी राम मंदिर के निर्माण में, प्रधानमंत्री जी जाकर के वहां यजमान बन के उपस्थित हो गए, उस करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च किया गया उसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के बीच में उसका विमर्श पैदा करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई गई, क्या क्या नहीं हुआ, क्या प्रणाम क्या मिला, उस शहर के संसदीय क्षेत्र हार गए जहां मंदिर बना हुआ। सरकारों से लोग इस बात की थोड़ी उम्मीद करते हैं कि सरकार मस्जिद बनवा रही है कि मंदिर बनवा रही है क्या कर रही है, सरकारों से लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश देखना चाहते हैं। अगर आपको 1947 में एक पूरा का पूरा राज्य मिला और उस राज्य को आप दो खंडों में बांट देंगे और उसका राज्य का दर्जा भी खत्म कर देंगे तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे, कौन स्वीकार करेगा, बंटवारे को कौन स्वीकार करता भाई। हम आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं, देश के बंटवारे का ही तो आरोप लगाते हैं कि नेहरू के रहते रहते भी देश को बंटवारा हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यही तो आरोप लगाते हैं यार। तो आप अगर वो आरोप नेहरू के ऊपर लगता है तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा कि आपने जम्मू कश्मीर को बांट दिया, और जिन जिन उद्देश्यों जिन लक्ष्यों के नाम पर आपने बांटा वो पूरे भी नहीं हुए, पूरे भी नहीं हो सकते।
आप तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरा जम्मू कश्मीर को कोई लाभ हो चाहे ना हो, देश के पैमाने पर उसका एक नैरेटिव बन जाए, ये तो कर रहे थे आप, वो भी नहीं हुआ। आप बताते क्यों नहीं है कि 370 खत्म होने के बाद आपने क्या क्या हासिल कर लिया? 370 बड़ा कहा गया, 370 खत्म हो जाएगा तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग जाकर वहां बस सकते हैं, काम क्या काम पास हो गया ये? कृषि की जमीन कोई बेच खरीद नहीं सकता, आज भी वही स्थिति वहां पर है। 10% जो आवासीय क्षेत्र है वो भी आप बेच खरीद सकते हैं, उसमें भी 15 साल लगातार रहने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। कौन चला जाएगा और रहेगा वहां पर, अब क्यों इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं आप? तो अगर 370 के खात्मे का लाभ मिल गया आपको इस साल के लोकसभा के चुनाव में, उम्मीदवार नहीं मिले आपको 300 संसदीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए, घाटी के तीनों कोई उम्मीदवार तक आपको नहीं मिला कि जो कहे कि नहीं नहीं हम बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ जाएंगे। सवाल इस बात का है कि जो आप एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो आप पैदा करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। सरकारों को अपने गवर्नेंस के ही नाम पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स पैदा की जा सकती है, विपक्ष पैदा कर लेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम राज्य का दर्जा देंगे, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे, साहब एक सरकार तोड़ी हो सकता है कि आ जाए तो राज्य का दर्जा मिल जाए। वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, लोग उसको मानेंगे कि विपक्ष का नेता है, हमको एक आश्वासन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हो सकता बन जाए। सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार को इस बात की जवाबदेही देनी पड़ेगी कि अगर आज सबसे ज्यादा 10% बेरोजगारी का दर जम्मू कश्मीर में है तो क्यों है? वहां का अगर वहां का सेब उत्पादक किसान अगर परेशान है, बदहाल है तो क्यों है? वहां का निर्यात अगर घटा है तो क्यों घट गया? इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। विपक्ष वहां कहेगा कि वहां के सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे और लोग उसकी बात तो सुनेंगे भी क्योंकि पिछले 10 सालों से ही देख रहे हैं। तो आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश की रियायत के लिए आपने किया क्या। अगर उस पर अगर आप बात नहीं करते हैं तो बात नहीं बनने वाली है। आपको बताना पड़ेगा कि जो एक साल तक किसानों का आंदोलन क्यों करना पड़ा, हरियाणा किसान आपसे पूछेंगे इस बात, 700 किसान जो शहीद हो गए क्यों हो गए, इसकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी। ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि साहब हम एक फोन कॉल की दूरी बैठे हैं, हमसे जब चाहिए तब बात कर लीजिए। वो फोन कॉल क्यों नहीं पूरा हो पाया? वो क्या बात बताई थी कि 700 किसान शहीद हो गए और आज भी सरकार चल रही है और उधर राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर समूह बैरे पर किसान बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? किसकी जवाबदेही है ये? और यह जवाबदेही अगर है तो क्या सरकार इन आरोपों से बच सकती है? आपको बताना पड़ेगा कि हरियाणा की जब वो महिला पहलवान धरना दे रही थी जंतर मंतर पर तो उनकी मांगे क्यों नहीं सुनी गई, क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्यों नहीं आपने अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई की? ये चीजें अनुत्तरित नहीं रह पाएंगी, जनता ऐसे नहीं भूल जाती। आप कुछ भी कोई भी प्रतीक अपना लीजिए, चाहे आप दारुसलाम में जाके मस्जिद चले जाइए, चाहे आप राम मंदिर में चले जाइए, चाहे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा लीजिए, ये चीजें प्रभावित नहीं करती क्योंकि इन चीजों से लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आते। लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं कि आप उनके जो रोज दिन प्रतिदिन की दुश्वारियां, उनके उनके परिवारों को, उनके बच्चों को रोजगार के अवसर मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वृद्ध लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा मिले, सस्ती स्वास्थ्य की स्थितियां हो, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाए। अब सब कुछ कारपोरेट को देते चले जा रहे हैं, कारपोरेट आपकी प्राथमिकता, अरबों रुपए आप कारपोरेट को दे देंगे और 2 रुपए आप किसान को नहीं देंगे और जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी की बात लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी भाई? अगर वो कह रहे हैं कि A1 A2 ही सरकार की प्राथमिकता है, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा लोगों? इन A1 और A2 के लिए आपने किसानों को इतने महीने, एक साल से अधिक समय तक आंदोलन करने के लिए बाध्य किया और आपने उस कानून को वापस लिया। 1 साल आंदोलन करना पड़ेगा किसी सरकार से उसका कानून वापस कराने के लिए, और वो सरकार ये भी कहेगी कि हम जनता की सरकार है, कोई इसको मान स्वीकार कर लेगा? और अगर ये हालात बने हैं तो इसके जवाब नहीं, क्या इसका राजनीतिक दुष्परिणाम बीजेपी को नहीं भुगतने पड़ेंगे? कैसे कर लेंगे आज? अगर कभी ये होता, हम लोग 2014 में जब ये सरकार बन करके आई, मोदी जी कोई आलोचना कर सकता था? आज मोदी जी की स्थिति क्या होगी? कोई चुनाव मुझे बताइए अब 2024 के पहले कोई चुनाव हुआ हो, चाहे हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी व्यापक पैमाने प्रचार करने न गए हो चुनाव घोषणा के पहले, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले दर्जनों रैलियां, दर्जनों सभाएं उनकी हो जाती थी, आज क्यों नहीं हो गया? आपके प्रति जो मोदी मैजिक था उसके ऊपर असर पड़ा।
अरे कोई सोच सकता है देव भारतीय संसदीय इतिहास में इतने कम मतों से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई नहीं जीते, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इतना कम वोट से कोई नहीं जीता, हार गया है उसको ठीक है, लेकिन जीते इतने कम अंतर से नहीं है। और आपकी स्थिति क्या बन गई, जिस नेता के लिए, जिस विपक्ष के नेता के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं कर तैयार थे, कौन राहुल, यही तो सवाल होता था जी जी। आज जो लोगों ने उसको सिर माथे बैठा लिया, क्यों बैठा लिया, उसी व्यक्ति को लोगों ने खारिज किया था ना 2014 में, उसी व्यक्ति को खारिज किया था लोगों ने 2019 में। आज लोग इसलिए रहे कि वो उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता के साथ संवेदनाओं के साथ जुड़ना चाहता है। अब मणिपुर आप नहीं जाएंगे और राहुल गांधी जाएंगे तो जनता किससे जुड़ा महसूस करेगी भाई, एग्जैक्टली क्यों नहीं जा रहे आप, और मणिपुर किसको जाना चाहिए था सबसे पहले, आज भी आप नहीं जा रहे। आप एक 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 आधारहीन बातों पर, तथ्यहीन बात पर अगर कोई पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो संभव नहीं। और यह जो तथ्यहीन आधारों पर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने की जो कोशिशें थी उसी का आज ये दोष परिणाम निकला है कि मोदी जी का की जो मांग है वो घटती चली जा रही है। अब कोई ये नहीं कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मोदी है तो मुमकिन है। अश्विन सर दो चीजें मैं आपको पहले चरण में जानना चाह रहा था, मैं इनका बागले उसमें पूछ लूंगा कि 52 से 60 के लिए के क्या कार्ड्स खेल सकती है भारतीय जनता पार्टी, जो घोषणा पत्र आने वाला है एक चीज, और दूसरा जो बहुत मार्के की बात सुनील सर कर रहे थे वो मोदी मैजिक तो हम सभी देख रहे हैं, क्या स्थिति है मोदी के चेहरे को लेकर, मोदी के नाम को लेकर, आप वहां बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या निकल कर आता, उनकी डिमांड, चुनावी जो डिमांड हुआ करती थी वो पोस्टर और जो बैनर होते हैं वो, और जो निकलकर संभावित है घोषणा पत्र में, क्या दांव खेल सकते हैं ये लोग, जुमलेबाजी जो करते हैं, तीनों पर आपकी टिप्पणी। जी संजीव जी, जिस तरह से आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में क्या कोई मैजिक करने वाली है जिससे कि वो एक मेजोरिटी में आ जाए, अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ था और ऑफिशियल अलायंस हुआ था, ओपनली अलायंस हुआ था, क्योंकि जैसे ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो केस था, करीब 48 करोड़ रुपए का केस था, जो कि बगली का केस था, सीबीआई ने फाइल किया था फारूकुल्ला के ऊपर, और उस वक्त जो है मार्केट में ये खबर चलाई गई कि फारूकुल्ला का बीजेपी के साथ अलायंस हो गया, इसलिए सीबीआई केस जो है बंद कर दिया गया है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने पब्लिकली बताया था कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करने जा रहे हैं और ऑफिशियली करने जा रहे हैं, ना कि जिस तरह से लास्ट टाइम 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस किया था। पहले तो वो एक दूसरे को गालियां निकालते थे, महबूबा मुफ्ती जो है कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट देती थी और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ स्टेटमेंट देती थी, बाद में 2000 में सरकार नई, 4 साल सरकार चली 2014 से लेकर 2018 तक। अभी जो लोग ये जो व्यू पॉइंट ले रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सो कॉल्ड एंटी नेशनल पार्टी है या कांग्रेस जो है वो मिलिटेंटों के साथ मिली हुई है, जिस तरह से एलिगेशन लगा रहे हैं, वो जो है जो जुमलेबाजी वो खत्म हो गई है, क्योंकि लोगों को पता है कि इसी बीजेपी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त इनका अलायंस हुआ था, और उस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला एमओएस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार के बीच में, यानी कि बीजेपी और एनसी का तब अलायंस था जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद इसी बीजेपी ने पीडीपी के साथ 4 साल अलायंस किया 2014 से लेकर 2018 तक, और दोनों पहले गाली निकालते थे, जब वो लोग कह रहे हैं कि जब उन्होंने बीजेपी ने पीडीपी के साथ और एनसी के साथ, तब ये एंटी नेशनल क्या एलिमेंट नहीं थे, क्या एंटी नेशनल पार्टी नहीं थी, अगर कांग्रेस ने कर लिया तो एंटी नेशनल बन गए। इसलिए लोगों में वो जो एक इन्होंने एक व्यू पॉइंट निकाला था, नैरेटिव निकाला था, वो फेल हो चुका है। अभी आने वाले दिनों में ये कुछ नया नैरेटिव निकालेंगे, बट जम्मू कश्मीर के लोग, पर्टिकुलरली मैं जम्मू का आपको बता दूं कि जम्मू के लोग काफी दुखी हैं इनसे। अब उनके पास ये जो व्यू पॉइंट से चलने वाले नहीं है, उनका जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो है पूरा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी है जम्मू में, उनका पूरा बिजनेस खत्म हो चुका है। वादी कश्मीर में
बीजेपी ने काफी काम किया है, काफी इन्वेस्टमेंट किया है रोड में, बिल्डिंग्स में, टनल्स में, बट वो बिकने वाला नहीं है। कश्मीर के लोग काफी चलाक है, वो जो भी सरकार आए तो उसके साथ चलते हैं, जो सरकार देखा कि अब ये डाउन जा रही है तो पलटा मार लेंगे सभी। तो इस तरह का मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिखाया था कि लोग शेख हमले को बोलते थे कि ये लाइन ऑफ कश्मीर है, जब उसको 1953 से लेकर 75 तक अरेस्ट कर लिया तो लोगों ने पलटा मार के बख्शी गुलाम अहमद शाह के साथ चले गए। तो लोग पलटा मार लेते हैं कश्मीर में। बड़ी इन्होंने कोशिश की है कि अपने कैंडिडेट खड़े किए जाए, बट अभी जो कैंडिडेट खड़े किए मुझे लगता नहीं है कि वो अपने जमात भी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। लोगों के गले में जो है बीजेपी नहीं उतरने वाली है वहां पर। वहां पर अगर चल रहा है, वहां पर कंपटीशन जो चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर वन पर जा रही है, नंबर टू पीडीपी जा रही है, नंबर थ्री कांग्रेस जा रही है, और उसके बाद बारामूला का इलाका जो है वो पीपल कॉन्फ्रेंस और इत्याद पार्टी है जो रिजीव की है। बाकी जो सिटी में जो है नॉर्थ कश्मीर, बाकी का पार्ट सेंट्रल कश्मीर, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काफी काम कर रही है, बट साउथ कश्मीर में जो है पीडीपी का काफी वहां पर मेहनत कर रही है। महबूब मुफ्ती की बेटी भी इलेक्शन लड़ रही है, महबूब मुफ्ती ने अभी तक अनाउंस किया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसी तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बट अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो झटका जो लगा है पीडीपी और एनसी को, उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के वो हार गए पार्लियामेंट सीट के, महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से हार गई, पार्टी प्रेसिडेंट हार गई, तो लोगों ने उनको काफी झटके दिए हैं। अब लोग आज जो है जब गांधरबल में उमर अब्दुल्ला गया था उसने अपनी टोपी उतार के लोगों को सामने रखी कि मेरी इज्जत रखना, और कश्मीर में कश्मीरी में उसने बोला कि मुझे एक दफा चांस दीजिए, अब मैं दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, और उसने टोपी अपनी उतार के लोगों से लिटरेरी उसे बैकिंग की वोट के लिए कि मुझे हेल्प कीजिए, मुझे एक दफा चांस दीजिए। तो आप देखिए कि इमोशनल टच जो है वो हर पार्टी दे रही है, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज दिया किसान और मजदूर की बात कही, लोकल जो एंगल्स लिए हैं, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट की बात ली, बिजली जो कि जिस डोडा डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे, रामबर का इलाका जो पहले प्रीवियसली डोडा डिस्ट्रिक्ट था, वहां से बिजली पैदा हो रही है, कह रहा है कि आपको बिजली महंगी मिल रही है वो हम आपको सस्ती बिजली देंगे। तो ये चीजें जो है लोकल टच चाहिए उनको, जो कि इस वक्त पीडीपी 2014 में पीडीपी और बीजेपी ने एक एजेंडा ऑफ अलायंस जो है एक एग्रीमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर शेयरिंग होगी, बट वो भी नहीं हुआ। 370 में इन्होंने कहा था पीडीपी के साथ मिलके कि 370 को हम छेड़ेंगे नहीं, जो कि पीडीपी ने लिखवाया था वो एजेंडा ऑफ अलायंस में, बट उन्होंने ऐसा किया कि 370 उड़ा दिया। आज जम्मू के लोग भी ये पूछ रहे हैं कि 370 तोड़ने के बाद हमें क्या फायदा हुआ, यानी कि जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हैं कि कश्मीर में लोग जाके बसेंगे, अभी तक मुझे नहीं लगता है 2 या 4 फैमिली कोई वहां बसी होगी, वो भी नहीं पॉसिबल है। कश्मीरी पंडित जो 3-4 लाख लोग बाहर बैठे हैं उनमें से कोई वापस नहीं गया, जिनको लैंग्वेज वहां का कल्चर है, खाना पीना वहां, जब वो नहीं गए तो आप लोग कैसे जाओगे, जो कि नॉर्थ कश्मीरी है, जो कि बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, वो कहाँ से जाएंगे। वहां के लोकल लोग जो है वो आपको लैंड देने को तैयार नहीं है, तो आप रहोगे कहाँ। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है कि बने बनाए फ्लैट है लोगों को दे, एक्स सर्विस मैन को दे, तब तो पॉसिबल था, मगर अभी तक पिछले 10 साल में ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। कि कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सरकार ने अभी तक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी कुछ नहीं की है। तो अगर इस तरह का रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होती, लोग कश्मीर के कश्मीरी पंडित वापस गए होते, जो कि इंडिया के हर कोने में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो जब वो नहीं गया जो कि वहां का रहने वाला था, जो असली रहने वाला आदमी था, वो नहीं गया, तो बाहर के लोग कैसे जा पाएंगे। हाउ इट इज पॉसिबल। इस तरह की चीजें जो है वो हर आदमी के मन में कड़क रही है कि आगे क्या होगा। कम से कम अगर लोकल पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला होगा या मुफ्ती मोहम्मद की बेटी महबूबा होगी या कांग्रेस प्रेसिडेंट होगा, इनको तो गले से आप पकड़ लेंगे, कहाँ जाएंगे ये। तो नेशनल लीडर को कहाँ से पकड़ेंगे ये, कहाँ से प्राइम मिनिस्टर के पास कैसे पहुंच पाएंगे।
इसलिए लोगों का माइंडसेट जो है इस दफा लोकल इश्यूज के ऊपर, लोकल लीडरशिप के ऊपर, और जो सही लोग हैं उनको देना चाहते हैं, बट जो थके हुए नेता है उनके पास लोग बड़े नाराज हैं कि हमने बीजेपी को 25 सीटें दी लास्ट टाइम, बट उन्होंने लोगों के कोई काम नहीं किए, बट केवल उन्होंने अपने घर भरे हैं, इसलिए शायद उनकी टिकटें भी कट गई हैं। जी संजय जी, एक तो हम ये मान लें आपकी बातों से कि 370 उल्टा पड़ गया, ये एक चीज निकल के आती है, और दूसरा एक लाइन और आप एक लाइन में करिए कि अब मोदी की डिमांड नहीं है वहां, ये भी है जम्मू में कश्मीर में। जी, जो वेव थी, जो वेव थी 2014-2019 में वेव थी, वो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में वेव नहीं थी। यही कारण है कि जम्मू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और उधमपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट बैंक इनका काम हुआ है, और बड़ी बार बार सीटें बची हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की और जोर किशोर शर्मा की, और अब जो है इस वक्त उनकी डिमांड बड़ी कम है, बट कुछ अगर वो कुछ परसेंटेज अगर वोट बैंक शिफ्ट कर दे, बट वो कितना कहां जा पाएंगे, 2 या 4 दफा जा पाएंगे, बट काफी इतनी बड़ी स्टेट है आपका डोडा, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, कुपवारा, बारामूला, तो एक दो जगह जा पाएंगे प्राइम मिनिस्टर, बाकी की जगह जो रूरल एरिया में है वहां जाना बड़ा मुश्किल है, और सिक्योरिटी कंसर्न भी है वहां पर, बॉर्डर एरिया है सारा, तो कितना फर्क कर पाएगा मुझे लगता नहीं है कि इतना फर्क कर पाएंगे। इनफैक्ट अभी जो जिस तरह की अयोध्या की सीट ये हार गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि जो माता वैष्णवी की सीट है असेंबली, वो भी खतरे में आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं कहता इसके बारे में, क्योंकि वहां जिस तरह से रिवोल्ट हुआ है बीजेपी का और लोग ओपनली आगे हैं, वहां का जो मिस्टर दुबे है जिसको टिकट दी थी 44 जो कैंडिडेट में से, उसका एक नाम कटा है, और वो जो है वो उसके जो वर्कर है सारे रिवोल्ट पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि वो लोग जो है इंडिपेंडेंट खड़े होंगे पार्टी के खिलाफ, तो कहीं वो सीट खतरे में ना पड़ जाए, कि माता वैष्णो देवी की सीट जो है, और पहली दफा वो सीट बनी है और सबसे कम वोट बैंक है, 45,000 के करीब वहां वोट है, जिसमें मुस्लिम्स भी है, ब्राह्मण्स भी है, राजपूत भी है, बाकी लोग भी हैं, और जिसके पास 10-15 हजार वोट आ जाएंगे वो जीत जाएगा। बहुत बहुत जबरदस्त बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ओम सर, ये क्या ताबूत में अंतिम कील की स्थिति पैदा हो गई है, ये जो एक बड़ी सूचना या जानकारी कि वहां बहुत संकट में, आप अयोध्या आ रहे और आप कहीं वैष्णो देवी हार गए, तो क्या मतलब आपका पूरा जो हिंदुत्व वाला है वो खत्म हो जाने वाला है, क्या आपकी अंतिम टिप्पणी होगी? ओम सर अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो उनका जो बहुसंख्यकों का फार्मूला था वो तो बिल्कुल टूट गया। शुरुआत जहां से की थी, बुरे वक्त में वहीं आके वो खत्म होती है, कि इतना बुरा वक्त वो बहुसंख्यक वाला भी खत्म हो गया, साथ साथ में जो राष्ट्रवाद का नारा था वो कश्मीर में लागू ही नहीं होता है, जिस तरीके से टुकड़े किए हैं कश्मीर के वो लेके लोग वैसे ही नाराज है, व्यापार जिनका बंद हो गया तो फिर उसके बाद में तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो मुझे लगता ही है कि कश्मीर उन्होंने परोस करके दे दिया है क्या आप ले लीजिए। अब संकट ये है कि मुफ्ती जो है महबूबा वो कैसे कर पाएगी, या फिर दूसरे जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो क्या कुछ कर पाएंगे, उन्हीं से खरीद फरोख्त करने का सिलसिला है। राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं अश्विनी सर, बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये तरीके से सपोर्ट, अश्विनी साहब की बात से उनसे अश्विनी साहब की बात से ही बोल रहा हूं मैं, कि जमाते इस्लामी को या महबूबा मुफ्ती को कब तक ये मतलब अमित शाह साहब तो जा रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या उन सबको अपने साथ में लाने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो फिर बाकी हिंदुस्तान में क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कश्मीर इनके हाथ से निकल गया है, और लोग अब उस तरीके से वो नहीं होंगे, बदली हुई परिभाषाओं को जुमलों को ठीक से पहचानने लगे हैं, और फिर कश्मीर के लोग जैसा कि अश्वनी जी कह रहे हैं बड़े पलटू हैं, यानी मनीष वो जो हमारे बिहार वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे उन्होंने सीखा कि अपने इंटरेस्ट के लिए पलट जाओ, वो पलट जाएंगे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चर्चा के लिए ओम सर आपका, सुनील सर और अश्विनी जी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हमारे दो साथी नहीं जुड़ पाए जो दो हमारे पैनलिस्ट थे उनका भी हम आभार जताएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, आपने सुना, और हमारा अनुरोध वही कि
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। प्यार और आस्था बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।